तारीख 6 जून साल 2023 दिन मंगलवार। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप बने हुए टीवी 9 डिजिटल चैनल के साथ सुनने को अपनी पसंद का प्रोग्राम पॉडकास्ट, और मैं हूं आपके साथ आपका हम जुबान संजीव चौहान। आज बेबाक बात भारत के पड़ोसी दोस्त और छोटे भाई सरीके नेपाल की, उस नेपाल की बात जिसकी संसद में बड़े भाई भारत की भैंसों को लेकर मच गया घमासान। आपने शायद ये या ऐसी सच्ची कहानी अपनी जिंदगी में पहली बार सुनी होगी कि किसी पड़ोसी बड़े भाई सरीखे और शुभचिंतक दोस्त देश की खातिर किसी छोटे भाई सरीखे देश की संसद में महज भैंस के मुद्दे पर बवाल मच गया हो। दरअसल कहानी की तह में पहुंचने के लिए जानना जरूरी है कि भारत के दौरे से हाल ही में वापिस हम वतन लौटे नेपाली प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड भारत के साथ एक समझौता करके गए हैं। इसी समझौते को लेकर नेपाल में विपक्ष ने भारत से वापस लौटे अपने प्रधानमंत्री को संसद में घेर लिया। जिस समझौते को लेकर नेपाल के राजनीतिक गलियारों से लेकर संसद तक हंगामा बरपा हुआ है, यह था कि नई दिल्ली यानी भारत अपने छोटे भाई मतलब नेपाल को अब 15 मुर्रा नस्ल के भैंसे देगा। मुर्रा नस्ल की भैंसे ज्यादा दूध देने के लिए दुनिया भर में पहचानी जाती है, या यूं भी कह सकते हैं कि भारत से इन मुर्रा भैंसों को नेपाल अपने यहाँ भैंसों की नस्ल सुधारने के लिए आयात कर रहा है। भारत और नेपाल के बीच इन्हीं नर मुर्रा भैंसों को लेकर हुई डील या कहिए समझौते को लेकर अपने ही देश की संसद में विपक्षियों के निशाने पर आ गए नेपाली प्रधानमंत्री। इस मुद्दे पर सोमवार यानी 5 जून 2023 को नेपाली संसद में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष ने तो यहाँ तक कह दिया कि नेपाल के प्रधानमंत्री प्रचंड दहल भारत से भैंसों पर ही बैठकर वापस हम वतन यानी नेपाल लौटे हैं। इस मुद्दे पर विशेष रूप से नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली ने नेपाल के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर पुष्प दहल प्रचंड को निशाने पर लिया। नेपाल में संसद की कार्यवाही शुरू होते ही सोमवार को राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के नेता शिशिर खनल ने सबसे पहले प्रचंड और पीएम मोदी के बीच भैंसों को लेकर हुई इस डील का मजाक उड़ाया। खनल ने ही सबसे पहले कहा कि नेपाल के प्रधानमंत्री भारत से भैंसों पर बैठकर हम वतन यानी नेपाल वापस लौटे हैं। खनल के इस विवादित बयान पर प्रचंड की पार्टी सीपीएन माओवादी सेंटर के नेता हितराज पांडे ने कड़ा विरोध जताया। पांडे ने खनल के विवादित बयान को संसद की कार्यवाही से हटाने के लिए स्पीकर से अनुरोध किया। इसके बाद प्रचंड की पार्टी के अन्य सांसद भी भड़क गए और उन्होंने शिशिर खनल के बयान को संसद की कार्यवाही से ही बाहर करने को कहा। इस विरोध और समर्थन के बीच ही नेपाली संसद के स्पीकर ने पीएम प्रचंड दहल को अपनी बात रखने और भारत यात्रा को लेकर पूछे गए बाकी तमाम सवालों का जवाब देने को कहा। उधर इस तमाम बवाल और हंगामे के बीच ही नेपाली प्रधानमंत्री ने संसद को संबोधित करते हुए कहा कि भारत से 15 मुर्रा भैंसों का आयात ब्रीडिंग के उद्देश्य से किया जा रहा है। प्रचंड ने आगे कहा कि नेपाल इसके लिए पिछले 7 साल से भारत से गुहार लगा रहा था, लेकिन अब जाकर यह समझौता अंजाम तक पहुंचा है। वहीं दूसरी ओर पूर्व प्रधानमंत्री और अक्सर चीन के ही इशारे पर नाचने वाले केपी ओली ने भी इस मुद्दे को लेकर प्रचंड पर निशाना साधा। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि पीएम प्रचंड की इस भारत यात्रा से कोई भी उल्लेखनीय उपलब्धि नेपाल को हासिल नहीं हुई। उन्होंने कहा कि प्रचंड की भारत यात्रा असफल सिद्ध हो चुकी है। भारत से नर मुर्रा भैंसों को लेकर नेपाल की संसद में मचे घमासान को लेकर पेश पॉडकास्ट की कड़ी में आज बस इतना ही। ऐसे ही किसी और ज्वलंत सामाजिक मुद्दे पर विभाग बात से सजी धजी पॉडकास्ट की अगली कड़ी के साथ मेरे लौटने तक कीजिए इंतजार। तब तक के लिए मेरा यानी अपने हम जुबान संजीव चौहान का स्वीकार कीजिए। नमस्कार।